हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है फॉन्ट एंड मार्किंग टैग्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फॉन्ट टैग एंड मार्किंग टैग। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट टैग की। फॉन्ट टैग वाज यूज्ड इन HTML4 टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड कलर ऑफ टेक्स्ट, नॉट स्पॉटेड इन HTML5। आपका जो HTML4 है उसके अंदर हम यूज़ करते थे फॉन्ट टैग, HTML5 आपका फॉन्ट टैग को स्पॉट नहीं करता। अब जैसे MS Word के अंदर जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो अगर हम उसका फॉन्ट साइज, कलर वगैरह चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टॉप में ऑप्शंस आते हैं फॉन्ट साइज कलर, तो हम वहाँ से जाकर उसको चेंज करते हैं। तो इसी तरह से हम HTML के अंदर यूज़ करेंगे फॉन्ट टैग का, फॉन्ट का मीन्स टेक्स्ट का साइज, कलर या फिर उसका फेस चेंज करने के लिए। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकल के लिए। फर्स्ट मैंने प्रेस किया विंडो की प्लस आर टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगी नोटपैड प्लस प्लस, ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस एडिटर ओपन हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिखा HTML, HTML के बाद मैंने हेड लिखा, हेड के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टाइटल टैग। टाइटल के अंदर यहाँ पर मैंने टाइटल डिस्प्ले कर दिया mysite.com। मैं टाइटल टैग को क्लोज करूंगी। टाइटल को क्लोज करने के बाद हम क्लोज करेंगे हेड टैग को। हेड के बाद बॉडी टैग स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। फिर हम क्लोज करेंगे HTML टैग को। अब मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू माई होम। फाइल को सेव करेंगे Ctrl+S। कंट्रोल एस करने के बाद अब जिस भी लोकेशन पर या पाथ पर आपको पेज को सेव करना है आप ब्राउज करेंगे। मेरा यहाँ पर फोल्डर HTML क्लासेस के नाम से, मैं इसके अंदर गई और यहाँ पर मैंने फाइल को नेम दे दिया day4.html। .html हम क्यों लगाते हैं, वेब पेज में सेव करने के लिए, ये आपके वेब पेज की एक्सटेंशन है। मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने फोल्डर के अंदर, मैं गई HTML क्लासेस फोल्डर में। यहाँ पर देखो day4 नेम का मेरा पेज बन चुका है, तो मैंने इसमें डबल क्लिक किया ब्राउजर में ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है वेलकम टू माय होम। अब मुझे इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, फेस चेंज करना है। तो हम यूज़ करेंगे फॉन्ट टैग का। तो वेलकम से पहले मैंने यहाँ पर फॉन्ट टैग यूज़ किया। अब मैं यहाँ पर दूंगी साइज। साइज की रेंज होती है 1 to 7। 7 सबसे लार्जेस्ट होता है और 1 आपका सबसे स्मॉलेस्ट होता है। मैंने यहाँ पर 7 दे दिया। 7 देने के बाद आफ्टर टू वेलकम टू माई होम मैंने यहाँ पर फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब साइज के साथ साथ मुझे इसका कलर भी देना है, तो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया और मैंने कलर दे दिया इसको रेड। अब फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और ब्राउजर में आने के बाद मैंने करके इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए इसका साइज 7 हो चुका है और कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। अब नेक्स्ट मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फेस एट्रीब्यूट का। फेस इज इक्वल टू मैं लिखा एरियल ब्लैक। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगेन ब्राउजर में गई और रिफ्रेश किया, तो आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो भी चेंज हो चुका है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं फॉन्ट टैग का। नेक्स्ट बात करते हैं मार्की टैग की। मार्की टैग का हम यूज़ करते हैं किसी भी इमेज को या फिर टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए वेब पेज में। मार्की टैग इज इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग स्क्रॉलेबल टेक्स्ट और इमेजेस विद इन अ वेब पेज। अब मार्की टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे विड्थ है, हाइट है, डायरेक्शन है, तो हम इनको 1 by 1 डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पर नोटपैड में आई। अब मुझे मार्की टैग का यूज़ करना है। पहले टेक्स्ट पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। मैंने BR कर दिया लाइन ब्रेक, यहाँ से मुझे लाइन को ब्रेक करना था। मैं लिखा मार्की हेलो पेरेंट्स। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर मार्की को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब देख रहे हैं आपका जो हेलो स्टूडेंट्स है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आपका स्क्रॉल कर रहा है। अब इसका मुझे BG कलर चेंज करना है, तो BG कलर चेंज करने के लिए हम यूज़ करेंगे BG कलर प्रॉपर्टी का, एट्रीब्यूट का। तो मैंने यहाँ पर मार्की में आई स्पेस दिया, मैंने लिखा BG कलर इज इक्वल टू येलो। मैंने इसको येलो कलर
दे दिया। फाइल को सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश कर दिया तो आपका जो है मार्की का बैकग्राउंड कलर येलो हो चुका है। अब मुझे हेलो स्टूडेंट को थोड़ा बड़े साइज में लिखना था, मैं क्या करूँगी, H1 टैग यूज़ कर लूँगी। मैंने यहाँ पर H1 टैग यूज़ किया और आफ्टर हेलो स्टूडेंट्स मैंने H1 को क्लोज कर दिया। सेव करेंगे एंड देन अगेन रिफ्रेश किया। अब नेक्स्ट है मुझे मार्की की विड्थ और हाइट को सेट करना है। हाइट ऑफ सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विड्थ एट्रीब्यूट का विड्थ मैंने लिख दिया यहाँ पर 50% और हाइट मैंने यहाँ पर लिख दी 300 pixels। हाइट पिक्सल्स में जाती है, परसेंट में नहीं जाएगी। देन मैंने यहाँ पर अगेन इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पर ये हाइट 300 pixels हो चुकी है और ये सेंटर से आपका ले लेगा 50%। तो मैं अगेन इसकी विड्थ को 50 से 100 कर रही हूँ बाकी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसके हमें क्या करनी है, डायरेक्शन सेट करनी है। डायरेक्शन में 4 options होते हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। मैंने यहाँ पर लिखा डायरेक्शन, डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर कर दिया राइट। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई और मैंने रिफ्रेश कर दिया तो फर्स्ट आपका जो टेक्स्ट है किस डायरेक्शन में जा रहा था, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था। अब मैं इसकी डायरेक्शन कर दी राइट तो ये आपका चला जाएगा राइट डायरेक्शन में। अगर इस तरह से आप इसे मूव करना चाहते हैं अप, अब लिखेंगे अप, आपके केस में आपका जो टेक्स्ट है अप डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड अगर इसे डाउन मूव करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे डाउन एट्रीब्यूट का तो टेक्स्ट आपका डाउन डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट आपका है स्क्रॉल डिले एंड स्क्रॉल अमाउंट ऑप्शन। स्क्रॉल अमाउंट मीन्स हमें टेक्स्ट को कितना मूव करना है, ओके। एंड स्क्रॉल डिले मीन्स आपका जो टेक्स्ट है वो कितना मूव होगा, मतलब हमें उसको कितने पिक्सल्स शिफ्ट करना है, तब यूज़ करेंगे स्क्रॉल अमाउंट स्क्रॉल डिले। मैंने यहाँ पर लिख दिया स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले आपका किस में जाता है, मिली सेकेंड्स में। अगर मुझे 1 second करना है तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 second। स्क्रॉल अमाउंट आप कितने पिक्सल को शिफ्ट करना है, मुझे 100 pixels शिफ्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आपका जो टेक्स्ट है 1 second के बाद 100 pixels आपका शिफ्ट हो जाए। मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर जाके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट फॉन्ट की टेक्स्ट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो चुकी है। मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ, मैंने इसकी डायरेक्शन कर दी है राइट। अब हमें इसकी स्पीड को फास्ट करना है, मैंने यहाँ पर स्क्रॉल डिले कम कर दिया एंड स्क्रॉल अमाउंट मैंने यहाँ पर कर दी 200 pixels। अब देखते हैं क्या होता है। फाइल को सेव किया, सेव कर मैंने रिफ्रेश कर दिया तो आपका देखिए जो स्पीड अब इंक्रीज हो चुकी है, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियर की। अब बिहेवियर में 3 options आते हैं, स्लाइड स्क्रॉल एंड आपका ऑल्टरनेट। बाय डिफॉल्ट आपका स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल के केस में आप देख रहे हैं, स्क्रॉल के केस में आपका टेक्स्ट एक डायरेक्शन जाएगा दूसरे डायरेक्शन से आपका वो मूव करेगा। मैं इसको कर रही हूँ स्लाइड, तो मैंने इसका जो बिहेवियर है बिहेवियर को सेट कर दिया स्लाइड। स्लाइड सेट करने के बाद मैं अगेन ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश करूँगी, आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन उसी डायरेक्शन स्टार्ट होगा एंड ओपोजिट डायरेक्शन में जाके आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हिट करके वापस आ जाए तो हम कौन सा बिहेवियर यूज करेंगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट के केस में क्या होगा, आपका टेक्स्ट हिट करके वापस आएगा, ये देखिए। तो 3 options होते हैं, स्क्रॉल जो बाय डिफॉल्ट होता है, स्लाइड एंड आपका अल्टरनेट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है लूप ऑप्शन। अब आप इसे कितनी बार प्ले करना चाहते हैं, प्रोवाइड्स हाउ मैनी टाइम्स द मार्की विल लूप। मैं यहाँ पर सेट करूँगी लूप, मैंने स्पेस दिया, लूप सेट कर दिया कितना, 2 सेट करने के बाद अब देखें यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूँगी, ये आपका फर्स्ट लूप, ये आपका सेकेंड। जितना मैं अपने लूप दे रखा है उतनी बार ये आपका मूव करेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। अगर आप लूप नहीं देते तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट है या जो भी इमेज है वो कॉन्टिन्यूसली आपकी मूव करती रहेगी। नेक्स्ट वी स्पेस एंड आपका एच स्पेस। वी स्पेस और एच स्पेस आपका प्रोवाइड करता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपका स्पेस।
अब हमें मार्क से पहले या बाद में हमें स्पेस सेट करना है, इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल स्पेस सेट करना है, तो हम इन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख देती हूँ। मैंने यहाँ से ये पैराग्राफ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड प्लस उसमें आई और मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट लाइन से मूव करूँगी क्योंकि वो आपका आगे एक्सटेंड हो रहा है। फाइल को सेव करेंगी। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब हमें क्या करना है, स्पेसिंग सेट करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा V स्पेस मीन्स वर्टिकल स्पेस, कितने पिक्सल देना है, मैंने यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल्स। फाइल सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपका वर्टिकल स्पेस आ गया बिफोर मार्की एंड आफ्टर मार्की टैग। अब इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल स्पेस देना है, मैं यहाँ पर लिखूँगी H स्पेस, कितना देना हमें, ये भी 100 पिक्सल देना हमें। फाइल सेव की और यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, आपका आ गया हॉरिजॉन्टल स्पेस। ये आपका देखो दोनों साइड से हॉरिजॉन्टल स्पेस आ चुके हैं, लेफ्ट से और राइट से। तो इस तरह से हम यूज करते हैं एच स्पेस और आपका वी स्पेस का। तो ये थे आपके एट्रीब्यूट्स मार्की टैग के। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मार्की के थ्रू हम इमेज या फिर टेक्स्ट इसको भी स्क्रॉल कर सकते हैं, अब हमें इमेज को स्क्रॉल करना है। तो इमेज को स्क्रॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अगेन मार्की लिखा। मार्की लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी IMG टैग। IMG ऐसा से सोर्स ऑफ इमेज, आपने किस इमेज को स्क्रॉल करना है, अब उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, हार्डवेयर सेट कर दी। इसके बाद मार्की को हम क्लोज कर देंगे। फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगी, आप देखेंगे आपकी जो इमेज है वो भी स्क्रॉल हो रही है। अब जितने भी मैंने एट्रीब्यूट्स आपके टेक्स्ट पर अप्लाई किए थे, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, हॉरिजॉन्टल स्पेस, वर्टिकल स्पेस, आपका डायरेक्शन एंड बिहेवियर, तो सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपकी इमेज पर भी अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में।